This video is brought to you by Alpine Academy, subject chemistry class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy, introduction to fundamental concept of chemistry, lecture number 5. Okay, so today lecture topics that I'm going to discuss is mole problems, limiting reactant and its problem, as well as Avogadro's numerical, significant problems, and empirical and molecular formula numericals, and stoichiometric problem. And basically I'm going to discuss all exercises problems of your textbook. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होते हैं? बेसिकली रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब उसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसको आप फर्दर कह सकते हैं एक्सेस रिएक्टेंट. लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऐसा रिएक्टेंट जो टोटली कंज्यूम्ड हो जाए, ठीक है, कंप्लीट कंज्यूम हो जाए, कंप्लीट इस्तेमाल हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. Also, it can be defined as a reactant which produces the least number of moles of product in a chemical reaction. इसका मतलब ये भी है कि limiting reactant इसे भी कहा जाता है जो product को सबसे कम number of moles के product मतलब form करता है. ऐसा reactant जो सबसे कम number of moles के product form कर रहा होता है उसको भी limiting reactant बोला जाता है. The reactant left unused or unreacted after completion of reaction is called reactant in excess or non-limiting reactant. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो reactant left यानी unused यानी used नहीं हुआ, जो reactant ऐसी रह जाता है reaction complete होने के बाद भी, तो उसको आप क्या कहते हैं? reactant in excess, यानी वो चीज़ आपके पास अभी भी मौजूद है, तो इसका मतलब आपका reaction complete हो चुका है लेकिन फिर भी आपके पास reactant मौजूद है, तो उसको बोलते हैं reactant in excess या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, अब रिएक्टेंट नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक जनरल एक लॉजिक लगानी पड़ती है मोल्स के साथ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डाटा ऑफ द गिवन अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. किसके नंबर ऑफ मोल्स? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो बन रहे हैं. कैसे बन रहे हैं? डेटा जो आपको गिवन है. ठीक है, रिएक्टेंट से जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं उससे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि मोल्स फॉर्मेशन कर रही है प्रोडक्ट्स की, तो उससे आप बेसिकली अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब कैसे हमें पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के मोल्स मिल रहे होंगे उसमें जो सबसे कम मोल हमें मिलेगा जिस रिएक्टेंट से मिलेगा वो रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. ठीक है, इसकी फर्दर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल. विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? वी कैन कैलकुलेट एज फॉलोज. रिएक्शन हमें गिवन है. ठीक है, अब रिएक्शन में हमें एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें हमें बताया हुआ है कि 7 मोल्स ऑफ O2 एंड 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. अब इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर हाइड्रोजन, तो हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम देखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ H2 कितने प्रोड्यूस कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी 2 मोल्स ऑफ H2 कितने प्रोवाइड कर रहा है आपके पास? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो 10 मोल्स ऑफ H2 कितने प्रोवाइड करेगा? आपने सिंपल वही कंडीशन लगानी है. यहाँ पे आप 1 मोल पे कितने प्रोवाइड करेगा? 2 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ H2O. और 10 मोल्स पे कितने करेगा? 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में सब में, कि आपने क्या करना है, एक तो सिंपल एक जनरल लॉजिक लगानी है कि 2 मोल्स पे H2 जो है प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O. ये रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है. ठीक है, तो 1 मोल पे कितने करेगा? तो सिंपल इस वाले 2 को, जो आपका ये वाला 2 है, दिस वन, इसको आप सिंपल डिवाइड करा देंगे इस 2 के साथ. ठीक है, यहाँ जो है इस 2 के साथ डिवाइड करा देंगे, तो आपके पास 1 मोल पे पता चल जाएगा कि कितने जो है कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे H2O में. ठीक है, तो 10 मोल्स पे कितने होंगे? उस रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल 10 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है H2. ठीक है,
अब हम कंडीशन लगाते हैं O2 के लिए, ठीक है, हमें पता चल गया H2 से कितने मोल्स बन रहे हैं, 10 मोल्स ऑफ H2 प्रोवाइड कर रहा है, 10 मोल्स ऑफ H2O हो ही, ठीक है, जितने H2 बन रहे हैं उतने ही H2O भी बन रहे हैं हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे इसमें जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है कहते हैं हमारे पास एक ही है यहाँ पर रिएक्शन में, ठीक है, 1 मोल है, उस 1 मोल पे आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, तो 1 मोल पे जब इतने प्रोड्यूस कर रहा है तो 7 मोल पे कितने करेगा, सिंपल आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 7 को 1 से करेंगे तो 7 मोल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 मोल्स ऑफ O2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 मोल्स ऑफ H2O। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं कि 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 14 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और 10 मोल्स ऑफ H2 10 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ, वो रिएक्टेंट जो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे कम कौन से वाले, 10 या 14, तो 10 हमारे पास मोल्स सबसे कम है जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, H2। तो इस हिसाब से H2 गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इट्स मीन्स दैट 10 मोल्स, सो H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ओके, दैट इज 10 मोल्स विच इज सो H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 200 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वर रिएक्टेड विद 200 ग्राम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस, आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का, यानी आपको इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, एंड मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, बेसिकली आपने वो अमाउंट ऑफ मास निकालना है जो कि इस रिएक्शन में यूजलेस है, ठीक है, जो रिएक्ट ही नहीं हुआ, आपके पास ऐसी ही साइड पे स्टोर हुआ हुआ है रिएक्टेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है मास कितना है, K2Cr2O7 का प्रोवाइड है आपको डेटा में, 200 ग्राम आपने डेटा लिख दिया, ठीक है, 200 ग्राम, उसके बाद फॉर्मूला मास कितना है आपके पास इसका, अगर आप K2Cr2O7 का फॉर्मूला मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम का आप एटॉमिक मास देख लें, क्रोमियम का देख लें, ऑक्सीजन का देख लें, उसको अगर ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 294 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को आप ग्राम पर मोल भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कितने आएंगे पे, 200 ग्राम को अगर हम डिवाइड कर दें 98 से, ठीक है, जब हम 200 को 98 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.68 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है आपके पास, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है 200 ग्राम डिवाइड बाय 9.8, यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 98 नहीं होगा, यहाँ पे ये 294 होगा, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 200 डिवाइडेड बाय 294 आपके पास आता है 0.68 मोल्स, ठीक है, तो ये 294 है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई हुई है, इनसे मिसप्रिंटिंग हुई है, ठीक है, यहाँ जो है ये 98 नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कितना है 298, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.68 मोल्स इसके लिए, ठीक है। अब 200 ग्राम को अगर हम 98 बेसिकली H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है, तो इसका फॉर्मूला मास जब 200 से डिवाइड होगा, 200 क्या है, मास ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका भी मास 200 ही है, तो 200 डिवाइड बाय 98 कितने हो जाते हैं, 200 डिवाइड बाय 98 आपके पास आ जाएंगे 2.04 मोल्स, ठीक है, सही है, ये ठीक किया हुए हैं इक्वेशन उन्होंने, मतलब ये वाला ठीक किया है, लेकिन ऊपर इनकी मिसप्रिंटिंग हो गई है, लेकिन आंसर इनका सही आ रहा है 0.68, बस यहाँ पे 0.294 आएगा इस जगह, ठीक है, 98 की जगह। K2Cr2O7 plus 4H2SO4 reacts together to form K2SO4 plus Cr2SO4 3 and 4H2O plus 3 atomic oxygen. अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए K2Cr2O7 के और H2SO4 के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे K2Cr2O7 के पास 1 मोल है, तो 1 मोल पे वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 3 ऑक्सीजन मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 मोल पे आपके पास 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 0.68 पे कितने होंगे, सिंपल अगर हम ये स्टेप ना लिखें, इसके स्टेप में हम बीच वाला एक स्टेप ऐड कर सकते हैं जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि 1 मोल पे K2Cr2O7 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल स्टेरिक डॉट बना के जो हम लिखते हैं 1 मोल पे कितने प्रोड्यूस करेगा, 3/1,
ठीक है, ये कर देंगे। तो 3/1 बेसिकली 3 बन जाता है, तो डायरेक्ट वो स्टेप रखने की जरूरत हमें है नहीं। हम सिंपल 0.68 मोल पे कितने प्रोड्यूस करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.68 कर देंगे, यानी 2.04 मोल्स आपके ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 4 मोल पे कितने प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 मोल्स पे 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल पे कितने करेगा, 3/4। ठीक है, अब वो स्टेप इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, वो एक एडिशनल स्टेप है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो 2.04 मोल्स पे वो कितने करेगा, 3/4, ये 3 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 3/4 रेशियो मल्टीप्लाई बाय 2.4 यानी 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से जो H2SO4 है वो 1.53 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन के, और जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2.04। तो इस हिसाब से लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका H2SO4 होता है। ठीक है, ईजी है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में तो क्या था कि आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, तो 16 को जब उसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में इसमें निकालना था कि वो रिएक्टेंट जो कि आपका यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पिछले पार्ट में देखें तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट H2SO4 था, तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, K2Cr2O7, यानी उसमें से वो रिएक्टेंट बचेगा जो यूज्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास K2Cr2O7 के टोटल मोल्स कितने निकले थे, 0.68 मोल्स निकाले थे हमने फर्स्ट स्टेप में, और 2.04 मोल्स H2SO4 के निकाले थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, अगर आप रिएक्शन को देखें फिर से, आप प्रीवियस वीडियो को स्किप करें, पीछे प्रीवियस करें, तो उसमें जो रिएक्शन है अगर उसमें देखें तो 4 मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। इसी तरह 1 मोल पे कितने होंगे, 1/4, और 2.04 पे कितने होंगे, तो वो रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.04 से। तो 0.51 मोल्स K2Cr2O7 कंज्यूम हुए हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, यानी H2SO4 2.4 मोल्स इस्तेमाल होके ख़त्म हो गया जब 0.51 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 भी इस्तेमाल हो गया। सिर्फ रह कितने गए, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे K2Cr2O7 के 0.68, उसको माइनस कर देंगे 0.51 मोल्स ऑफ K2Cr2। ये जो मोल हैं ये आपके बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंज्यूम होने वाले मोल हैं। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.17 मोल। ये मोल्स आपके पास अनरिएक्टेड हैं जो कि आपके सॉल्यूशन में अभी भी मौजूद हैं, जो कि अनरिएक्टेड हैं, ये रिएक्ट नहीं हुए हैं। आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया, यानी H2SO4 खत्म हो गया, और ये मोल्स आपके पास एक्सेस में रह गए। तो मास ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकलेगा, इनका मास जो मतलब मास हमने कैलकुलेट करना था बेसिकली कि जितने आपके पास जो है एक्सेस रिएक्टेंट रह गया है उसका मास कितना है। तो मास निकालने के लिए आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 49.98 वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी ये वो मास है जो कि अनरिएक्टेड है। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड मास है। ओके, For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318-3186-660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Okay, so question number one is calculate the number of moles in 2400 gram of carbon dioxide, oxygen molecule, carbon, calcium carbonate and magnesium bromide. So, first of all, we need to calculate the total number of moles in carbon dioxide. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले सवाल में डेटा क्यों है, 2400 ग्राम है, यानी मास ऑफ, अच्छा सवाल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी है। ठीक है, तो इसमें ये सारे सबके लिए जो मास है वो कितना कंसिडर करना है, 240 ग्राम कंसिडर करना है, और इन सबके आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, एक तो मास चाहिए होता है किस चीज़ का आप मोल्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये वो आपको उसका मास चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर मास चाहिए जिसका आपके पास मास गिवन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मास हमें गिवन है, तो हमने डेटा बना लिया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2400 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 एटॉमिक मास यूनिट। 44 कैसे आया कार्बन डाइऑक्साइड का मास,
कार्बन के पास होते हैं 12 एटॉमिक मास, उसके बाद ऑक्सीजन आता है तो उसके पास होते हैं 16, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे दो हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाता है, और 32 प्लस 12 44 हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसका एटॉमिक मास यूनिट 44 आता है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2, ठीक है, मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल, या जो भी एक एलिमेंट ले लें, ठीक है, कंपाउंड है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उस कंपाउंड का नाम यहाँ लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। जब हम ये दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2400 है और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 54.54 मोल्स आ जाते हैं, और मोल्स का यूनिट MOL होता है, ठीक है, MOL सिंपल मोल यूनिट होता है मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं टोटल, 54.54 मोल। अब इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ करें तो सेम डेटा हमें बनाना पड़ेगा, सेम डेटा का मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय अब हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2400 ग्राम, ठीक है। डेटा मैंने फिर से नहीं बनाया है, डेटा हर सवाल के लिए फिर से बनेगा। तो इसका डेटा क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 2400 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब O2 होगा, ठीक है। O2 का टोटल मास कितना होता है, O2 का टोटल मास 32 होता है, ठीक है। अब 32 मॉलिक्यूलर मास आ गया है और मास ऑफ O2 है 2400। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 75 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में होते हैं इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी 2400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने पास 75 नंबर ऑफ मोल्स रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये है रिजल्ट का। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल वही डेटा बनेगा कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास ऑलरेडी सवाल में गिवन है, सबके लिए मास सेम कंसिडर करना है 2400 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा, कैल्शियम का आपके पास मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 40 और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 40 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, ये आपके पास 52 हो जाते हैं, 52 प्लस 48, ठीक है। 48 कैसे आया, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो 3 है अगर इसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 वैल्यू आती है, तो 48 की वैल्यू को आप 52 की वैल्यू से ऐड करेंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मिल जाएगा, जो कि 100 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 2400 है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर दो जीरो से सिंपल आपके पास 24 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 24 मोल्स, ठीक है। बेसिकली ये रिजल्ट का, अगर आपने रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो ये इस रिजल्ट में आप लिख सकते हैं कि 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 24 मोल्स। अब सवाल आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। उसके साथ सोडियम एटम का एटॉमिक मास भी गिवन है आपके पास, तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। मास ऑफ सोडियम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 9.2 ग्राम। एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है 23 और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बेसिकली एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है। अब यहाँ हमने कैलकुलेट क्या करना है, एटम कैलकुलेट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर के आगे हम एटम्स लिख देंगे, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर को आप Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये N ही लिखा है इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर है, और कैलकुलेट क्या करना है आपने, नंबर ऑफ एटम्स, तो उसके आगे हम सिंपल क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स का अपना ही एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेड सब्सटेंस, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमें पता है, मास ऑफ सोडियम कितना है, 9.2 हमने पुट कर दिया इधर, और हमें एटॉमिक मास भी पता है। अब मॉलिक्यूलर मास हम क्यों नहीं ले रहे, मॉलिक्यूलर मास का मतलब पता है किसी मॉलिक्यूल का मास, हम यहाँ पे एटॉमिक मास लेंगे तो यानी सिंपल एक एटम का मास रखेंगे, तो एक एटम का मास है 23 जो हमें पता है और गिवन भी है, ठीक है। जब गिवन है तो 23 हमने पुट कर दिया, 99.2 अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जो कि हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है। जब हम इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 2.408 एक्सपोनेंट
23 एटम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बेसिकली ये एक तरीका है या एक मेथड है सिंपल। सो ओके, अब आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 2B, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आपको मास कैलकुलेट करना है गिवन मॉलिक्यूल्स पे, किस पे, किसका, ग्लूकोज का। सबसे पहले डेटा बनेगा आपके पास, डेटा में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं गिवन है आपको, 3.01 एक्सपोनेंट 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये कैसे आता है, अब इसको कैलकुलेट करके मैंने आपको साइड पे दिखा दिया है, या आप अपना काम रफ वर्क में करेंगे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते भी हैं तो एक साइड पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 का मतलब है आपके पास कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, और एक कार्बन का मास 12 होता है, ठीक है। जब उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 72 आएगा। फिर हाइड्रोजन के पास आपके पास 12 हैं, तो एक हाइड्रोजन आपके पास 1 के बराबर होता है एटॉमिक मास, जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह जब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास 6 है, तो 16 आपके पास जो है कहते हैं एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, जब उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। फर्दर आप इन सबको आकर ऐड कर दें तो 72 प्लस 12 प्लस 96 आपके 180 टोटल मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है ग्लूकोज का, ठीक है। अब आपने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ ग्लूकोज आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको सवाल में मास ऑफ ग्लूकोज पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है ग्लूकोज का, एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने ये जज किया है कि हमारे पास फॉर्मूला किसका लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ एटम्स का, और इन सब का फॉर्मूला सेम ही है, बट डिफरेंस ये है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उस नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड कर दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स का अपना ही यही फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेड सब्सटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एम डॉट मास लिख दिया है, ठीक है। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास है। अब मास ऑफ ग्लूकोज आपके पास कितना है, यही आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, इसको हम यहीं रखेंगे, और फर्दर नीचे वाली चीज़ जो है इसके डिनोमिनेटर में वो मॉलिक्यूलर मास है जो कि 180 है, और यहाँ पे साइड पे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स, ये पूरा जो आपके पास रेशो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स हैं। अब मोल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से, और एवोगैड्रो नंबर आप डेटा में इंक्लूड कर सकते हैं कि एन ए बराबर है किसके, इस ट्रम के, ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के। अब ये 6.02 एक्सपोनेंट 23, 180 इसके मॉलिक्यूलर मास है, उसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप 3.01 एक्सपोनेंट 20 रख देते हैं। जब ये आप पुट कर देंगे तो उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगी। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में आपने क्या करना है कि मास ऑफ ग्लूकोज को आप यहीं रहने देंगे, बाकी 180 जो है ये मास ऑफ ग्लूकोज से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू के उधर जाके 3.01 एक्सपोनेंट 20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह यहाँ पे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मास ऑफ ग्लूकोज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मास ऑफ ग्लूकोज आपके पास कितना आ जाएगा, 0.09 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। कि 0.09 ग्राम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 3.01 एक्सपोनेंट 20, उसके अलावा 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स कंटेन 0.09 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको कहने का मतलब ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन 66.7% कार्बन, 7.41% हाइड्रोजन एंड 25.90% नाइट्रोजन। बेसिकली हमें परसेंटेजेस गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड वॉज टू बी 108, और उसके अलावा हमें मॉलिक्यूलर मास भी कंपाउंड का गिवन है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, ठीक है। जब भी मॉलिक्यूलर मास सवाल में गिवन होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला के सवालात में, तो आप समझ जाएंगे कि आपको उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास 66.70 है, उसके अलावा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 7.41 है, और हमारी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 25.90% है, ठीक है। नाउ वी हैव परसेंटेजेस, अब हमारे पास परसेंटेजेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हमें शुरू के 3 स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट कहाँ से स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 1 हम किसको कंसिडर कर लेंगे, मोल रेशियो को,
ठीक है, मोल रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला था? मोल रेशियो निकालने का अपना फॉर्मूला है कि परसेंटेजेस को आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो मोल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन का मोल रेशियो निकालने का मतलब क्या है कि उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, तो आपके पास 5.5 आपके पास मोल रेशियो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकालें तो वो 7.41 उसकी परसेंटेज है, उसकी परसेंटेज को अगर हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो आपके पास हाइड्रोजन का मोल रेशियो आ जाएगा जो कि 7.41 है। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए भी यही करेंगे, उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका सिंपलेस्ट रेशियो होगा जिसको आप फर्दर बोल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो उस एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपल आपने यही करना होता है कि जो आपका सबसे लीस्ट क्वेश्चन है, सबसे लीस्ट क्वेश्चन का मतलब जो सबसे लीस्ट आंसर आया, सबसे कम आंसर आया वैल्यू वाला, उसको आप तीनों से डिवाइड करते हैं। तो सबसे कम आपके पास कौन सा है? कार्बन 5.5 है, हाइड्रोजन 7.41 है और नाइट्रोजन 1.85 है। तो सबसे कम आपके पास नाइट्रोजन का है, तो हम सारे मोल रेशियोज को किससे डिवाइड कर देंगे? 1.85 यानी नाइट्रोजन के मोल रेशियो से। तो जब हम कार्बन को के मोल रेशियो को नाइट्रोजन के मोल रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.9। ठीक है, 2.9 आ रही है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये 2.9 लिखा हुआ है। और इसी तरह हाइड्रोजन की वैल्यू जो है 7.41 को अगर आप 1.85 से डिवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास आता है 4.00। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट 4 लिख दिया है। इसी के साथ जो है कहते हैं नाइट्रोजन 1.85 मोल रेशियो है तो उसको फर्दर 1.85 से ही डिवाइड करेंगे तो सिंपल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कार्बन कितने हो गए? 2.9 को राउंड ऑफ ले लें तो 3 कार्बन हो गए। और आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और नाइट्रोजन कितने हो गए? 1। तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया है कंपाउंड का? C3H4N। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया जो कि आपकी बुक में आंसर में भी यही एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम फर्दर क्या लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास। हमें कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में प्रोवाइड है कि फाइंड ऑल्सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हमने सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब एन का अपना एक फॉर्मूला है। एन निकालने का क्या फॉर्मूला है कि मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेड कंपाउंड का मतलब क्या है जो कि आपके सवाल में गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है? 108। ठीक है, यहाँ की बात हो रही है कि 108 मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। ठीक है, तो 108 आपने यहाँ पे पुट कर दिया ऊपर और डिवाइड करेंगे किससे? एम्पेरिकल फार्मूला मास से। एम्पेरिकल फार्मूला मास का मतलब है कि आपके पास टोटल कितने मास है एम्पेरिकल फार्मूला का, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला का मास। एम्पेरिकल फार्मूला का मास आप यहाँ से देखें C3H4N। अब C3H4N का मतलब है C के पास टोटल 12 होते हैं, एक एटॉमिक मास C का 12 होता है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाते हैं 36, और 36 प्लस 4 हाइड्रोजन 40 हो जाते हैं, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो 40 प्लस 14 विल बी 54, एंड इफ वी पुट 54 इन डिनोमिनेटर एंड डिवाइड 108 विद 54 वी विल गेट 2 आंसर। ठीक है, एंड दिस 2 विल मल्टीप्लाई टू एम्पेरिकल फार्मूला नंबर्स। और एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H8N2। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास इसका रिजल्ट में भी आ रहा है। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी टॉपिक और एनी चैप्टर यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन जी मेल आई डी और एज वेल एज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर। एंड ऑल्सो इफ यू हैव any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.